Okay, let's talk about topic, which is about some natural phenomena. So हम natural phenomena में discuss करेंगे lightning और earthquakes को, ठीक है? So let's begin our lesson. जैसा कि हम सबको पता है कि पहले तो natural phenomena में बहुत सारे phenomena होते हैं. We have heard about the winds, storms and cyclones. यूजुअली जो इंसान को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो होता है साइक्लोन से. दैट डैमेजेस अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है? बट हेयर वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द साइक्लोन्स. हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट लाइटनिंग के बारे में. पहले हम देखेंगे कि जो ये लाइटनिंग होती है, जो पहले ज़माने में लोग थे उनके जहनों में लाइटनिंग के बारे में क्या कॉन्सेप्ट था. उनके जहनों में यही कॉन्सेप्ट था कि गॉड्स विजिट टू द अर्थ. मुख्तलिफ कल्चर्स थे, जैसे इजिप्टन सिविलाइजेशन, पर्शियन से हम बोलते हैं मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन या मायावी सिविलाइजेशन एंड लॉट ऑफ अदर सिविलाइजेशंस. तो एंशंट व्यू ऑन लाइटनिंग क्या थी? इट वॉज अबाउट लाइक वी हैव इन ग्रीक ज्यूस, हु इज़ कंसिडर्ड एज द गॉड ऑफ लाइटनिंग. सो सिमिलरली इन इंडिया इंद्र इज सेड टू बी द गॉड ऑफ थंडर. इवन टुडे यू सी लॉट ऑफ पीपल इवन वर्शिप गॉड इंद्रा इवन टुडे. सो इन एंशंट टाइम्स लोग लाइटनिंग को पूजते थे. दे यूज टू थिंक कि हमारी ज़मीन पे गॉड्स विजिट करते हैं, देवता विजिट करते हैं. लेकिन वी ऑल नो द ट्रुथ अबाउट द लाइटनिंग टुडे, क्योंकि साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है लाइटनिंग पे. सो लेट्स डिस्कस इट. पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ लाइटनिंग. लाइटनिंग कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट अ सिंपली वी से इट्स एन इलेक्ट्रिकल स्पार्क ऑन ए ह्यूज स्केल, ठीक है? ये इलेक्ट्रिकल स्पार्क आसमान में होती है व्हेन पास टू ए नेगेटिव क्लाउड्स, और वी कैन सी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोलाइड विथ ईच अदर. द लाइटनिंग इज जनरेटेड. इवन द सेम फेनोमेना ऑकर्स इन आवर क्लॉथ्स. इफ वी सी हम देखेंगे कभी कभार जब हम अपने कपड़े बाहर निकालते हैं लाइक पॉलिस्टर या कॉटन, सो वी सी स्मॉल स्केल इलेक्ट्रिक स्पार्क्स इन आवर क्लॉथ्स. वो भी लाइटनिंग ही होती है. इट्स वन एंड द सेम थिंग, बट वो स्मॉल अमाउंट में होती है, ठीक है? लाइटनिंग जो होती है इट्स कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन क्लाउड्स. जो क्लाउड्स पे चार्जेस जमा होती है उससे ही लाइटनिंग होती है, ठीक है? सो इट वॉज एक्चुअली द बेंजामिन फ्रैंकलिन एन अमेरिकन साइंटिस्ट जिसने ये कहा कि लाइटनिंग स्पार्क फ्रॉम आवर क्लाउड्स एंड लाइटनिंग इज द सेम फिनोमिना. ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि दोनों अलग अलग फिनोमिना नहीं है, दे आर वन एंड द सेम थिंग. लेकिन इस चीज़ को समझने में हमें 2000 ईयर्स लगे. इट टुक 2000 ईयर्स टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमिना, ठीक है? एंड वजह इसका यही था कि यूजुअली कोई इस पे स्टडी नहीं करता था या अदर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे. इट कैन बी डिफरेंट रीजन्स, देयर कैन बी लॉट ऑफ रीजन्स. वी कैन से दिस इज द रीज़न इट टुक 2000 ईयर्स टू अंडरस्टैंड इट. नाउ व्हाट इज अ चार्ज? चार्ज कुछ नहीं है, इट इज सिंपली द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर दैट इट कॉजेज द एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. Usually we see light charges repel each other
and unlike charges attract each other. We all know that. And there are two types of charges. First, positive charge. Second, negative charge. What is then positive charge? Positive charge is nothing. Positive charge kuch nahi hai. It is just a proton. It's just a proton. We say H positive. Similarly, negative charge. Negative charge is nothing. It is just an electron. Electron. Is that it? Very simple. Then, if we look at the difference between proton and electron, let's try to understand. First of all, proton ko discover kiya E. Goldstein ne. Mass of proton 1.672 into 10 raised power minus 27 kg. Charge 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb. And the charge of electron and proton is same hai. Lekin inka mass different hai. Jo mass of proton hai, wo bahut zyada hai as compared to mass of electron. Agar hum composition dekhenge, to proton jo bana hota hai, wo bana hota hai do up quarks ke, one down quark ke. Ye up quark aur down quark kya hai? I'll discuss this later on. ठीक है, जो प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट दिया था, वो दिया था विलियम पी ने, इसे हम बोलते हैं विलियम पॉट. ठीक है. Similarly, if we look at the electron, electron को डिस्कवर किया था जी जी थॉमसन ने. इसका मास है 9.1 into 10 raised power minus 31 kg. चार्ज इसका है 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb. और इसका जो कंपोजिशन है वो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स. ठीक है. और इसका जो कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रॉन का दिया था, वो दिया था आर लेमिंग ने एंड जी जी स्टोन ने. ठीक है. सो अब हम देखेंगे कार्कस क्या होते हैं. लेट्स सी. कार्कस कार्कस कुछ नहीं होते हैं, दे आर जस्ट एलिमेंट्री पार्टिकल एंड फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ मैटर. ठीक है. कार्कस जब मिलते हैं दे फॉर्म हेड्रॉन्स. ठीक है. दीज आर बेसिक कॉन्सेप्ट्स. ये सिलेबस में नहीं है, सिंपल टॉपिक है, लेकिन इंसान को पता होना चाहिए ये सब. अच्छा, एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है? ये कुछ नहीं है, इट्स जस्ट सिंपल सब एटॉमिक पार्टिकल विथ नो स्ट्रक्चर. ठीक है. जिसमें हम देखेंगे एग्जांपल्स कार्क्स, लेप्टॉन्स एंड सो ऑन. दैट्स इट. दिस इज सम एक्स्ट्रा नॉलेज. ये सिलेबस में नहीं है, कार्क्स सिलेबस में बिल्कुल नहीं है. बस पॉइंट्स हैं जो इंसान को पता होने चाहिए. बस दैट इज इट. एंड नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. थैंक यू.